दोस्तों अगर आप बहुत दिनों से मैच देखते हैं या फिर आप अगर क्रिकेट का अंध फैन हो तो आपको पता है कि पहले के दिनों में या फिर आप कहेंगे 10-15 साल पहले भी क्रिकेट में बैट्समैन लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते थे या फिर टीम स्कोर ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत टीम स्कोर होता है, रन बहुत होता है या फिर बैट्समैन भी बहुत रन करते हैं। ये क्यों है, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे? बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों पहले के दिनों में जो सब मैच होता था और आज के दिनों में जो मैच होता है वो बहुत ही अंतर है, आसमान और जमीन का फर्क है। पहले के दिनों में मैच में कुछ ऐसे ही रूल होता था जो कि प्लेयर या फिर फील्डर या फिर बॉलर या फिर बैट्समैन को ज्यादा रन करने का इजाजत नहीं देता, लेकिन आज के दिनों में जो सब मैच होता है इन सब मैच में बैट्समैन को एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है कि ज्यादा रन करो और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाओ। तो सबसे पहली बात बैट्समैन अगर चाहे तो वो अच्छा शॉट खेल सकता है, ज्यादा तेजी से रन बना सकता है और धीमे भी रन बना सकते हैं। जैसे कि 96 वर्ल्ड कप में श्रीलंका जब वर्ल्ड कप जीता था, सनत जयसूर्या पहले के दौर में ऐसे बल्लेबाज थे जो कि बहुत धुआंधार बल्लेबाज माना जाता था उस समय। उसके बाद आया एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर। उस समय बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि ज्यादा तेजी से रन नहीं बनाते थे, जैसे कि राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर और भी बहुत सारे। तब स्ट्रेटेजिकली खेल होता था, लेकिन अभी जो मैच होता है, अभी जो खेल होता है यहाँ पर बैट्समैन का ही खेल होता है। पहले के दिनों में कुछ रूल्स या फिर कुछ लॉस ऐसा होता था जिसमें बैट्समैन को ठीक तरीके से, यानी आप कह सकते हैं कि बैट्समैन को डर डर के खेलना होता, क्योंकि एकदम पहले के दिनों में तो कोई ओवर रिस्ट्रिक्शन था नहीं। उसके बाद 15 ओवर का एक इनर सर्कल रिस्ट्रिक्शन आया और अभी तो पावर प्ले आ गया जहाँ पर 2 पावर प्ले मिलता है 20 ओवर का, जहाँ पर बैट्समैन इजीली रन बटोर सकता है। पहले के दिनों में जो ग्राउंड होता था, ग्राउंड का जो साइज होता था बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी जो ग्राउंड का साइज होता है यानी बाउंड्री का साइज वो कम रखा जाता है, हालांकि सभी आईसीसी रूल में रखकर ही किया जाता है। अभी बहुत सारे इनोवेटिव शॉट्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि स्विच हिट, हेलीकॉप्टर शॉट वगैरह वगैरह, और अगर ये सब शॉट मारा जाए या फिर खेला जाए तो बॉलर लोग तो डरेंगे ही। इसके बाद कुछ ऐसे रूल्स या फिर लॉज आए जो कि बॉलर डरने लगा और जो बैट्समैन है वो खुश होने लगा, जैसे कि फ्री हिट, नो बॉल करो तो एक्स्ट्रा रन, उसके साथ साथ अगला जो बॉल है वो फ्री में दिया जा रहा है। पहले तो वाइड बॉल या फिर नो बॉल के लिए एक्स्ट्रा रन भी नहीं होता था, और पहले या फिर कुछ दिन पहले वाइड बॉल में अगर बाई रन होता है वो अकाउंट में नहीं लिया जाता था। वाइड बॉल अगर 4 भी चला जाए बाई रन तो वो 4 गिनती में नहीं आता था, सिर्फ वाइड का एक ही रन आता था गिनती में। अभी के खिलाड़ी प्रैक्टिस में जितना फोकस है उतना फोकस अपने स्ट्रेंथ, एबिलिटी और हेल्थ के ऊपर भी है, वो लोग रेगुलर जिम भी जाते हैं। लेकिन आगे के खिलाड़ी, अरे भाई जिम क्या बात है, तब जिम शायद था ही नहीं या फिर जिम का इस्तेमाल ही नहीं होता था, फिटनेस भी उतना महत्व नहीं रखता है। पहले के दिनों के जो भी प्लेयर्स थे वो लोग फील्डिंग उतना अच्छे से नहीं कर पाते थे क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता था, लेकिन आज के दौर में हर बैट्समैन या फिर हर एक बॉलर अच्छा फील्डर जरूर होता है, तो इससे क्या होता है अलग से तेज वहाव आता है अपने में और अच्छे तरीके से वो खेल सकता है। जब व्हाइट बॉल का इंट्रोड्यूस किया गया तब व्हाइट बॉल को ऐसे रखा गया कि बैट में लगकर वो ज्यादा दूरी का ट्रेवल कर सके। अभी का दर्शक जो है उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ज्यादा रन बनाओ तो वे लोग को मजा आता है, कम रन बनाओ तो वो लोग मजा नहीं पाते हैं। तो जो लोग स्पॉन्सर्स हैं वो लोग चाहेंगे कि ज्यादा रन वाला मैच हो, और स्टेडियम वाले भी चाहेंगे ज्यादा रन वाला मैच हो, तो सभी का विन विन सिचुएशन होगा। तो इसलिए ग्राउंड, पिच या फिर वेदर, सभी इस सब को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। बहुत पहले क्रिकेट खेलने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिप से ट्रेवल करना होता था, लेकिन अभी हवाई जहाज है, घंटों में चले जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उन लोगों के परफॉर्मेंस में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात जो है, अभी कंपटीशन के जमाना है भाई, कंपटीशन तो होगा ही, तो आईसीसी खुद जब कह रहे हैं कि रन करो तो क्यों ना करें वो लोग। और आईसीसी भी जानता है कि क्रिकेट में अगर ज्यादा रन नहीं लिया जाता है तो अगले मैच से दर्शक स्टेडियम पे नहीं आएगा, और ये सब मिला के क्रिकेट में पहले के दिन से आज का बैट्समैन ज्यादा रन बटोरता है। तो दोस्तों क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।